क्योंकि वेद माता कहती है समश्रुतेन गमे मही। ध्यान से सुनेंगे आगे वाले बच्चे, सुनना भी एक बहुत बड़ी कला है। और मैं आप लोगों को बता दूं, आज जिस स्थिति में आप लोग बैठे हुए हो, मेरे दादाजी मेरा हाथ पकड़ करके मुझे आर्य समाज में ले जाते थे रविवार के दिन। हम सब भाई बहनों के लिए कंपल्सरी था कि सुबह रविवार के दिन स्नान करके दादा दादी जी के साथ में आर्य समाज में जाना है। ये बिल्कुल कंपल्सरी था। कभी हम मना भी करते तो डांट के फटकार के ले जाते और ले जाते, और घर से एक चीज कह करके ले जाते थे कि वहां पर जाकर के अगर जरा सी भी आवाज आ गई फिर देखना। उन्होंने कभी दो उंगली भी लगाई नहीं, मारी नहीं दादाजी ने, लेकिन ये जो एक वाक्य था ना, फिर देखना, वो देखा कभी नहीं। हाँ, खाला कि हमने क्या था वो फिर देखना, लेकिन इस एक वाक्य को सुन करके जैसे हवा के चलने पर पेड़ों के समस्त पत्ते कंपन करते हैं, इस एक वाक्य को सुन करके ऐसे ही कांपते थे कि दादाजी ने कहा फिर देखना। अब वो फिर देखना पता नहीं क्या है, पर डर लगता था। और बिल्कुल चुपचाप शांत बैठे रहते थे। मुझे याद आता है एक दिन एक विद्वान आर्य जगत के शास्त्रार्थ महर्थी आचार्य विश्वबंधु जी, वो आए हुए थे। और जो मंत्र मैं आपके सामने बोल रही हूं, उन्होंने यही मंत्र बोला। और उन्होंने अपनी बात को यहां से आरंभ की कि बोलने वाला बड़ा नहीं होता। ध्यान से सुन, क्या कहा उन्होंने? तो अगली बात उन्होंने क्या कही, जो सुनने वाला होता है वो बड़ा होता है। क्या कहा उन्होंने? जो सुनने वाला होता है वो बड़ा होता है। ध्यान रखिएगा, आप कभी भी देखना, आजकल लोग क्रोध में बहुत जल्दी आ जाते हैं, आवेश में बहुत जल्दी आ जाते हैं। वो खान पान का भी प्रभाव है, वातावरण का भी प्रभाव है। और जो आज सबकी जेब में ये मोबाइल है, और इस मोबाइल पर जो ये शॉर्ट शॉर्ट रील देखते हैं, इन्होंने भी व्यक्ति के पेशेंस लेवल को घटा दिया है। आधा घंटे की कोई ज्ञानवर्धक वीडियो होगी तो उसको देख नहीं पाएगा व्यक्ति, पर वो जो छोटी छोटी शॉर्ट रील है उनको देख रहा है। अगर मैं कह दूं कि रोज स्वाध्याय किया करो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, महाभारत पढ़ो, सत्यात प्रकाश पढ़ो, ऋग्वेदी भाष्य भूमिका पढ़ो, तो एक माता जी मुझसे कह रही थी, बोले अंजलि जी मैं कोशिश बहुत करती हूँ, लेकिन मैं जैसे ही किताब उठाती हूँ और दो चार लाइन पढ़ती हूँ और तुरंत मुझे नींद आनी। जोर से बोलो। अच्छा, ऐसा किस किस के साथ में होता है, जरा हाथ उठाना। ओहो, ये भावी पीढ़ी बैठी हुई है आज की। अच्छा, कौन सी पुस्तक पढ़ते हुए नींद आती है तुम्हें? स्कूल वाली है ना। ओहो, ये जरूर उन्हीं बच्चों में से होंगे। एक विद्यालय में बंधुओं आग लग गई, चलो शे तो फिर आगे शुरू करेंगे। एक विद्यालय में माताओं आग लग गई, सारे बच्चे बड़े खुश। क्यों खुश? विद्यालय जल गया। अब जब तक विद्यालय रिपेयर नहीं होगा तब तक हमारे स्कूल की, जोर से बोलो। और बच्चों को सबसे अच्छी क्या लगती है? हाँ, तो बच्चे नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तुम्हारे भाई बंधु रहे होंगे वो बेचारे। स्कूल जल गया, कई दिन बंद रहेगा, बहुत बढ़िया। एक बच्चा बैठ के रो रहा है। हाँ बेटे वाले, एक बच्चा बैठ के रो रहा था। सारे बच्चों ने कहा, क्या हुआ पागल कहीं के, तू रो रहा है? ज्यादा पढ़ाकू बन रहा है क्या तू? हैं, तुझे खुश होना चाहिए, छुट्टी रहेगी अब कम से कम एक महीना, तो स्कूल लगने वाला है नहीं। एक महीना तो स्कूल लगेगा नहीं।
इतने दिन छुट्टी रहेगी, तू रो क्यों रहा है? तो उसने बच्चे ने जो उत्तर दिया वो कहता है, स्कूल ही तो जला है, मास्टर तो सारे के सारे जिंदा है, मास्टर तो एक भी नहीं फूका, और ये इतने चालू है कि कल को पेड़ के नीचे भी क्लास लगा देंगे, तो तुम्हारे भाई बंधु रहे होंगे, है ना। निवेदन कर दूं, पुस्तकें पढ़ते हुए जैसा कि आपने कहा नींद आ जाती है, पहले लोग पन्ने पलटते थे, उंगलियां चलती थी यूं, अच्छा यूं कैसे चलती है, किताब पर, आजकल उंगलियां चलती है यूं, किस पर चलती है, तो ये जो शॉर्ट शॉर्ट रील देखते हो आप, इन्होंने हमारे पेशेंस लेवल को, आप मानो या न मानो, धैर्य को बहुत कम कर दिया। धैर्य नहीं है व्यक्ति के अंदर, तो बड़ी जल्दी व्यक्ति आवेश में आ जाता है, क्रोध में आ जाता है। अगर एक व्यक्ति बहुत तेज तेज ऊंची आवाज में बोल रहा है, गाली गलौज कर रहा है, और एक व्यक्ति बिल्कुल शांत खड़ा हुआ सुन रहा है, ईमानदारी से बताना आप किसकी प्रशंसा करोगे? जोर से बोलो, जो शांत रह करके, इसका मतलब सुनने वाला बड़ा, तो आप क्या हैं, सबके सब बड़े। और आप अगर बीच में बोलोगे मुझे तो बोलना है, क्योंकि मुझे तो बोलने के लिए हरियाणा से बुलाया गया है, है ना, तो जहां बोलने की आवश्यकता होगी वहां तो बोलो, बीच में मत बोलो। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मेरा थोड़ा कार्यक्रम देने का तरीका, जय भारत जी जानते हैं, मेरी कथाएं ज्यादातर होती हैं, और वहां पर पता लगा कि हजारों की संख्या में लोग हैं, तो भी हम वातावरण को बिल्कुल अपने अनुकूल बना करके रखते हैं। आप लोगों की तो बहुत कम संख्या है, तो आप जितने भी हो तो थोड़ा शांत होकर के बैठो, ये मेरी सभी से प्रार्थना है, तभी मैं कुछ आप लोगों को दे पाऊंगी। वेद माता कहती है, सम श्रुतेन गमे मही सुनो, सुनना भी एक कला है। आज ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा दुख इसी बात का है कि कोई सुनने को तैयार नहीं। किसी भी परिवार में चले जाओ तो पत्नी इसलिए आंसू बहा रही है कि पतिदेव उनकी कोई भी बात सुनते, और पतिदेव से पूछो कि भैया भाभी जी की थोड़ी बात सुन लिया करो, अरे बोले बहन जी मैं तो सुनता ही आ रहा हूं इतने दिन से, मैं तो जब से फेरों पर बैठा था तब से लेके आज तक सुनता ही आ रहा हूं, पर पता नहीं कौन सी कुघड़ी में ये मेरे पल्ले पड़ी थी, आज तक इसने एक भी मेरी बात, और वहां यही नहीं पता लग रहा कि पति को समझाएं कि पत्नी को समझाएं। हमने सोचा चलो जाकर के बच्चों से बात करें, हमने कहा बेटे माँ बाप कैसे हैं तुम्हारे, बोले एक नंबर के घटिया, और हमारा बस नहीं चलता, अगर कहीं पर एक्सचेंज ऑफर हो है जी, तो हम तो सबसे पहले अपने माँ बाप एक्सचेंज कर दें, ये मम्मी बदल दे, पापा बदल दे, ये डिफेक्टिव पीस है, कोई बढ़िया से पीस लाए। तो मैंने कहा बेटे इतने दुखी क्यों माँ बाप से, अरे बोले माँ बाप क्या खाक माँ बाप, एक भी हमारी बात, हाँ देखो कितने दुखियारे हैं बेचारे। और माँ बाप से पूछो कि बच्चे, अरे बोले बच्चे आज कल के बच्चे पूछो मत, इतने नालायक इतने दुष्ट, एक भी बात हमारी। और वेद माता क्या कह रही है, सम सुतेन गमे मही सुनो, सुनना जरूर, सुनना भी एक कला है। और फिर कहा कि जो सुना है, मां श्रुतेन विराधस, फिर उस सुने हुए को अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास करो। तो ये जो कार्यक्रम आप लोगों के यहाँ पर चल रहा है, इस कार्यक्रम के लिए हमारे पदाधिकारियों ने बहुत मेहनत की, आदरणीय हमारे प्रधान जी जिनकी इतनी आयु हो चुकी है, लगभग 70 से तो ऊपर ही चल रहे होंगे शायद, और इस आयु में भी, कल मैं देख रही थी कि जब बच्चियां भजन गा रही थी
तो आप बिल्कुल उनकी बराबर में खड़े हुए थे और वो एक सुर भी ऊपर नीचे हुई तो तुरंत आप उन्हें बता रहे थे इस उम्र में भी ये लगन है, छाती पर रख करके नहीं ले जाएंगे ये कुछ भी, सब कुछ यही रह जाएगा। पर क्यों लगन है? कि भगवान ने अगर ये मानव का जीवन दिया है तो ये उपकार के लिए है, परोपकार के लिए है, इसे अच्छे कार्यों में लगाओ। मैथिली शरण गुप्त जी की बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे। पशु केवल अपने लिए जीता है। आप अगर चार पशुओं को चारा डाल दो भरपूर मात्रा में और उन चार पशुओं को खोल दो, उनकी अलग अलग चार ढेरियां हैं, कितना भी भरपूर मात्रा में चारा हो पर फिर भी एक पशु क्या करेगा, दूसरे की ढेरी पर मुंह मारेगा जाके। क्यों? मेरा तो मेरा है ही पर इसका भी। तो मैथिली शरण गुप्त कहते हैं ये किसका स्वभाव है? पशुओं का। वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे और वही मनुष्य मनुष्य है जो दूसरों के लिए मरे। मनुष्य कौन? जिसमें परमार्थ है, परोपकार है, उपकार है, दया है, करुणा है, वही मनुष्य। जो ये सोचे कि मैं जब तक मुझे भगवान ने ये शरीर दिया और मैं जीवित हूं कुछ तो कर जाऊं, कुछ तो कर जाऊं। सरहद पर मरता मरता एक वीर शहीद गोलियों से सीधा छलनी हो जाता है पर फिर भी तिरंगे झंडे को झुकने, जोर से बोलो, क्यों? मरते मरते भी अपने देश के बारे में सोचता है, मैं भले ही चाहे हम रहे या ना रहे पर देश रहना चाहे। इसीलिए वो 70+ है तो भी सोच रहे हैं कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि बंदूकों से ही लड़ाई लड़ी जाए। विचारों की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई है, संस्कारों की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई है। तो चलो जितना हो तो उतना ही करें क्योंकि कल को ये रहे या ना रहे, पर जिन बच्चों को ये तैयार कर रहे हैं ये पौध ही तो आगे चल करके इन संगठनों को संभालेंगे। इसलिए लगी हुए तो ये जो कार्यक्रम है, आप ये मत सोचिएगा ये केवल मनोरंजन के लिए या ये अपनी औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। नहीं, मैं अगर चलकर के हरियाणा से आई हूं तो औपचारिकता पूरी करने के लिए नहीं, स्वामी जी अगर आए हैं तो औपचारिकता पूरी करने के लिए नहीं, उद्देश्य है हम लोगों का। जो ऋषियों की विचारधारा है, जो वेदों की विचारधारा है वो आपको दें और पता नहीं कहां से किसका जीवन बदल जाए। ये बच्चे उड़ जाइए यहां से, आगे से सारे बच्चे उड़ जाओ, बेटे उड़ जाओ यहां से प्लीज, नहीं उड़ जाओ, एकदम उड़ जाओ, पीछे चले जाओ। निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में कि उद्देश्य है जीवन का, इसलिए उसी उद्देश्य को वेद माता ने कहा कि सुनो और फिर सुनकर के ये विचार करो कि मुझे अपने जीवन में क्या उतारना है और क्या नहीं उतारना है।